درود پاک حضور ذات بڑے پیار شوق اور محبت نال اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك في شان حبيب مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بوز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، قابل قدر سامعین گرامی، اج ربیع الاول دا پہلا جمعہ ہے، ربیع الاول بھی ہے، ربیع النور بھی ہے، ربی دا معنی بہار یعنی پہلی بہار۔ تو سامنے زیوا کار اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے کہ خالق کے لم یزل اس پیارے بابرکت مہینے دی نسبت نال سانو ساریاں نوں جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ ہوئے نے معاف فرمائے اور معاف کر کے ساڈے واسطے اس مہینے نو ذریعہ نجات بنائے۔ برادرانی گرامی قدر، مذکور خطبے دے اندر جس سورہ دی چند آیات نو، سورہ والضحا پارہ نمبر آخری چند آیات نو موضوع سخن بنایا ہے، تو سامعین ذی وقار اس دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صاحب لولاک دے نال محبت اور پیار دا اظہار فرمایا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، اس تو پہلے کہ میں اس دا ترجمہ دس دیواں یا اس دی تشریح کریے، آؤ سب تو پہلے
इस सूरत दा शाने नजूल पढ़दे आई। जदों असी शाने नजूल पढ़ांगे तो ऑटोमेटिकली सारी गल साडे ज़हन विच आ जाएगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमावना चाहुंदा। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त आपने इस्लाम का प्रचार शुरू फरमाया तो उस वक्त गैर तो गैर अपने भी दुश्मन बन गए। एक वक्त वो सी कि मक्का मुअज्जमा के अंदर नबुव्वत का ऐलान करन तो पहले और बाद भी जो आपने नबुव्वत का ऐलान किया उस तो पहले मक्के वाले लोग मेरे कमली वाले नूं सादिक और आमीन दे लफज दे नाल पुकार दे सन, यानी अमानतदार और सच बोलन वाले। जो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत दी वहदानियत दा प्रचार फरमाया और फिर अपनी नबुव्वत दा भी ऐलान फरमाया तो कुफार मुशरिकीन मेरे कमली वाले दे दुश्मन बन गए। और फिर सिर्फ दुश्मनी भी नहीं रही, दुश्मनी भी इस हद तक से कि अगर आप दे रुफका चो कोई शख्स मिल जांदा सी मुसलमान उस ते जुल्म होंदा सी और मेरे कमली वाले नूं कदी पत्थरां दे नाल जख्मी कीता जांदा सी, कदी आप दे रावां च कंडे विछाए जांदे सी और कदी मेरे कमली वाले नूं जादूगर दे ताने लगदे सन। और फिर एक काम भी चल रहा सी, अचानक कुरान पाक दा नजूल रुक गया, अल्लाह दी कलाम आ रही सी ओ भी रुक गई। बाज रवायात चांदा है 3 माह, बाज चांदा है 6 माह वास्ते वही दा नजूल रुक गया। हुण बेयक वक्त मेरे कमली वाले नूं दो परेशानियां लायक होईयां। पहली परेशानी कि कुफार मुशरिकीन तंग कर रहे थे और पहली परेशानी ये सी कि जिस कान मुबारक दे नाल अल्लाह दा कलाम सुन दे सन और कलाम सुनन विच जेड़ा मजा आउंदा सी, जेड़ी चाशनी आउंदी सी, वो मजा गुम हो गया, वो लुत्फ खत्म हो गया। और फिर दूसरी परेशानी कुफार मुशरिकीन कहन लगे नाउज बिल्ला मिन जालिक, बाज ने तो इतने तक किया है कि शैतान दा खुदा शैतान तो नाराज हो गया है। नाउज बिल्ला कहन लगे मेरे कमली वाले दे कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा खुदा आप तो नाराज हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े परेशान, उदो वादी तैफ चो पत्थर भी आए लहू लुहान हो गए और जिधर जांदे ने जिस जगह जांदे ने इस्लाम दा ऐलान करदे ने कोई जादूगर कहंदा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई रावां च कंडे बिछा रहा है। लोगों मेरे अकल इस्लाम तो सलाम परेशान होए और ही मिसाल देना उस तो बाद गल समझ आए तो बड़ा मजा। ये दुनिया का रूल है, दुनियावी कानून ने, दुनियावी रूल ने, दो दोस्त जिन्हां दी आपस विच मोहब्बत होवे
और जेड़ा मोहब्बत करदा है अगर ओ महबूब तो नाराज हो जाए या फिर इन होवे कि काफी अरसा बांदे भी कट्ठे ने खावण पीवण भी कट्ठा चलन फिरन भी कट्ठा है कुछ दिनों वास्ते ओ एक दूसरे तो जुदा होंदे ने तो फिर उस दे महबूब नू लोग ताने मारे कि यार तेरे नाल ओ बड़ा प्यार करदा है अज तेनू छोड़ गया है तू बड़े प्यार जतेंदा सी कि मेरे नाल बड़ा प्यार करदा है मेनू नहीं छोड़ेगा। तो लोगो गल गौर दे नाल समझ आए दुनिया दा रोले हुण अगर मेनू कोई ताने मार रहा है उसका जवाब मैं देना है दलील भी मैं देनी है जवाब भी मैं देना है ताने मारन वाले नू महबूब जवाब देवेगा दलीलां देवेगा खुद कि ना यार मेरे नाल प्यार करन वाला मेनू तनहा नहीं छोड़ सकता और मैं कसमां देवांगा दलीलां देवांगा वेख को मेरे नाल इतना प्यार करदा है। लोको ये दुनिया दा रूल है ये मोहब्बत दा कानून है कि जेड़ा मुहिब है उसनु ताने मारनगे वो खुद जवाब देवेगा जेड़ा महबूब है उसनु ताने लगनगे महबूब खुद जवाब देवेगा। इन कदी नहीं होया कि ताने महबूब नु लगन जवाब मुहिब देवे या ताने मुहिब नु लगन जवाब महबूब देवे लेकिन इत्थे जदू महबूब नु ताने लगे मुहिब ने वेख्या गल उलट हो गई मुहिब ने फरमाया कि ऐ मेरा महबूब जवाब तै नहीं देना जवाब मैं मुहिब देवांगा मैं मोहब्बत करण वाला तू मेरा महबूब है मैं तेरा मुहिब हां। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ मेरा महबूब जवाब तू नहीं देवेगा जवाब मैं देवांगा फिर जवाब भी ऐसा अता किया कि क़यामत तक आन वाला हर इंसान जदू कुरान पढ़ेगा सूरह वद्दुहा पढ़ेगा इसका तर्जमा पढ़ेगा उसनू पता चल जाएगा कि रब दा महबूब ऐसा है कि इस महबूब तो रब ना कदी नाराज होया है ना ही तनहा छोड़ा। तो सामीनी जी वकार गल दी समझ आई कि रब ने फरमाया सोने जवाब मैं देवांगा हुण जवाब केडा सोना दिता क्या बात है बड़ा सोना। हुण देखो असी किसे नू अगर एतमाद दिवावना होवे ना ते असी आदे यार कसम है खुदा दी कसम उठाने कि सानू साडे रब दी कसम यार ऐ गल इन्ने एतमाद दिवावना होवे ते अल्लाह रब्बुल इज्जत हुण अपने महबूब नू एतमाद च लै रिहा ਵਿਖਿਆ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੱਧ ਦੁਹਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਵੇਰ ਤਲੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕਸਮ ਹੋ ਗਈ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਧ ਦੁਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੂਰਜ ਸਵੇਰ ਤਲੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ मेनु उस वेले दी कसम वल्लैली इज़ा सजा सुनिया जदू दिन खत्म होंदा है रात डल रही होंदी है मेनु उस वेले दी कसम। कितनी कसम हो गई उच्ची बोलो दो आओ तीसरी कसम रब ने फरमाया सुनिया वद्दुहा मेनु चाश्त दे वेले दी कसम तीसरी कसम चाश्त दे वेले दी कसम वल्लैली इज़ा सजा सुनिया मेनू सूरज दे गुरूब होण दी कसम
चार कसमां होईयां। मुफस्सरीन इकराम ने बड़ा लिखिया, आओ फिर आशिकां ने कुछ होर लिखिया। जेड़े आशिक ने उन्होंने कुछ होर लिखिया, तो रब ने फरमाया वद्दुहा सोहणिया इस तेरे रुखे अनवर दी कसम, तेरे सोहणे चेहरे दी कसम। वल्लैली इज़ा सजा सोहणिया तेरियां कुंडल वालियां जुल्फां दी कसम। अल्लाह या रसूल, सोहणिया कुंडल वालियां इन्हां जुल्फां दी कसम। हुण बड़ियां कसमां उठाईयां, लेकिन मैं तुहाडे सामने छे पेश कीतियां। छे कसमां तो बाद फिर रब ने फरमाया मा वद्दा का रब्बू का व मा कला। ऐ मेरा महबूब, आप तो रब ना आप तो नाराज है, ना ही आपनू तनहा छोड़िया, ना ही तनहा छोड़िया। तो मौला तेरे वही दा नुज़ूल क्यों रुक गया है, कलाम आवना क्यों रुक गया है। हुण अगली गल सुनया है, रब ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल औला। ऐ मेरा महबूब, हर आन वाली घड़ी, हर आन वाली उच्ची बोलो, आन वाली घड़ी, हर आन वाला वक्त, हर आन वाला घंटा, हर आन वाला लम्हा, हर आन वाला हफ्ता, हर आन वाला महीना, हर आन वाला साल, हर आन वाली सदी, ऐ मेरा महबूब तेरे वास्ते बेहतर हो गई, तेरे वास्ते उच्ची बोलो, तेरे वास्ते बेहतर होगी। किवें बेहतर होगी? अज वेखो 1400 साल गुजर गए ने, अज भी साडी ज़बाना ते ज़िक्र मुस्तफा हो रहा है कि नहीं हो रहा? 1400 साल गुजर गए, ऐ मेरा महबूब हर आने वाली घड़े तेरे वास्ते बेहतर होवेगी। तो रब ने फरमाया वल सौफ युती का रब्बू का फतरदा, सोनिया इतना अता करांगा, अन करीब इतना अता करांगा, इतना अता करांगा कि तू राजी हो जाएगा। हुण सवाल करते हैं, मौला कितना अता करेगा, मौला कितना अता करेगा, कितना अता कीता है। रब ने फरमाया मेरा महबूब ये आसमान मेरे ने, आसमान दा खालिक मैं आ, मालिक तेनू बनाया। उच्ची बोलो यार, आसमान दा खालिक मैं आ, मालिक उच्ची बोलो, मालिक तेनू बनाया है। जमीन दा खालिक मैं, मालिक उच्ची बोलो, मालिक जमीन दा खालिक मैं, मालिक तू है। अर्शां दा खालिक मैं, मालिक तू है। फर्शां दा खालिक मैं, मालिक तू है। जन्नत दा खालिक मैं, मालिक तू है। ए बंदियां दा खालिक मैं, मालिक तू है। समुंदरां दा खालिक मैं, मालिक तू है। समुंदरी जानवरां दा खालिक मैं, मालिक तू है। पहाड़ां दा खालिक मैं, मालिक तू है। रब ने वेखिया कि एक महबूब कह रहा, दूसरा चीजां गिण गिण के दे रहा। फिर रब ने कुराने पाक की पूरी सूरत नाजल फरमाई, फरमाया सोनिया इन्ना आतैना कल कौसर, सब कुछ तेनू दे दिता है, तेरी मर्जी जिनू दे रहे, सब कुछ उच्ची बोलो, सब कुछ, सब कुछ कैन दे दिता है, सुनिया तेनू दे दिता है। किवें दिता है? आज तो नहीं दिता, जदों मेरे नबी दा नूर अपने नूर विचो तखलीक फरमाया ना, उस दिन दा दे दिता सी। ये आज तो नहीं दिता। हजरत मूसा अलैहि सलाम कोल जाके पुछो ना, कोहे तूर ते गए सईदना हजरत मूसा अलैहि सलाम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च अर्ज करदे ने मौला थोड़ा जा फखर कीता, मौला मैं तेनू कितना प्यारा कि मैं मेरे तो होर ही वध के तेनू कोई प्यारा है कि मैं तेरा कलीमा तेरे नाल कलाम करदा कोहे तूर ते आके।
तो तौरात अता कीती तै मैनू किताब अता फरमाई तो रब ने फरमाया ऐ मूसा फखुज मा आतैतुका वकुम मिनश्शाकिरीन। ऐ मूसा ये जो मैं तैनू दिता है ना ये पकड़ और शुक्र अदा कर। और नाल अगे अगली गल सुनिया रब ने फरमाया ऐ मूसा ऐ भी सुन लै कि वमुत अला तौहीदे जदों तैनू मौत आवे इस हाल विच मरना कि तेरे दिल विच मेरा भी प्यार होवे वहुब्बे अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तेरे दिल अंदर मेरा भी प्यार होवे मेरे हबीब मुहम्मद मुस्तफा दा भी प्यार होना चाहिए। हुण अगे मूसा अलैहि सलाम अर्ज करदे ने मौला ए मुहम्मद कौन है जिसनू तेरे जिस दे नाल तेनू इतना प्यार है। रब बार बार फरमांदा रिहा ऐ मूसा छोड़ ते रब ने फरमाया मुहम्मद मेरा हबीब है तू मेरा कलीम है ओ मेरा हबीब है तू कलीम है कलाम करदा है मेरे नाल ओ मेरा यार है दोस्त है। तो रब दी बारगाह च अर्ज कीती मूसा अलैहि सलाम कि मौला कलीम और हबीब विच फर्क के वे। रब ने फरमाया मूसा कलीम होवे कि जेड़ा कोहे दूर ते आवे और जुतियां नाल आउन लगे तो आवाज आए कि ऐ मूसा जुतियां उतार के आ क्योंकि मुकद्दस वादी जा रहा है। और हबीब होवे कि ऐ मूसा जदू मेराज ते जदू सिदरतुल मुंतहा दिया बुलंदियां छू के अगे आए ना लैन उतारन लगे रब फरमाए के सोनिया इंज नहीं आना ना लैन मुबारक ना मरहबा बुलंदवा मरहबा 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 सोनिया इंज नहीं आना बमा ना लैन तशरीफ ले आओ मौला होर कोई फर्क। रब ने फरमाया कि हबीब और कलीम होवे कलीम होवे कि जेड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे नाल खुद दोस्ती रखे कलीम होवे जेड़ा अल्लाह ताला दी जात दे नाल खुद दोस्ती रखे। फरमाया हबीब होवे जिन्हों रब खुद दोस्त रखे। समझ उच्ची कह दो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज दे नाल पिछो जिन्हां दी आवाज नहीं आ रही बुलंद आवाज नाल कह दो सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा महीना है कसम खुदा दी इस महीने दे अंदर हशाश बशाश चेहरे दे नाल बुलंद आवाज नाल कह दी करो सुभान अल्लाह। मुरादरा ने ग्रामी कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरा हबीब होवे ऐ मूसा मेरा हबीब होवे मेरे हबीब दे तो पुछना चाहना मैं मेरा हबीब होवे मूसा कलीम होवे जेड़ा अल्लाह दी रजा चांदा होवे ओ जिस ते रब राजी होवे उस ते कलीम भी राजी होवे। लोगो रब फरमांदा ऐ मूसा हबीब होवे जेड़े ते रब नहीं बल्कि जिस ते हबीब राजी होवे उस ते रब भी राजी हो जा। सामी ने जीवकार इस वास्ते मैं कहना मके तो ला मकां ताए हकूमत मुस्तफा दे। बड़ा आसान फिक्र है अपनी जबान दे अंदर मेरे नाल मिलके पढ़ लो मके तो ला मकां ताए हकूमत बुलंद आवाज दे नाल मके तो ला मकां ताए हकूमत मुस्तफा। और जिस जिस दा यकीन है अपनी ज़बाना दे ताले खोल लवे मेरे नाल मिलके पढ़ लवे मके तो ला मकां ताए हकूमत मुस्तफा। जिथे मुजरिम बरे हो दे अदालत मुस्तफा दे जिथे मुजरिम बरे हो दे अदालत
سامنے دیوکار بلکہ اللہ رب العزت نے فرما وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر اگے رب نے فرما پہلے رب نے فرما اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَر اے میرا محبوب جو پی آئے اسنو خالی نہیں لوٹانا اے میرا محبوب جیڑا پی آئے جتنا دیویں گا اتنا عطا کرتا جاواں گا تو میرے خزانے تقسیم کرتا جائیں گا میں رب خزانیاں نو بھرتا جاواں گا رب نے فرمایا جنت خالق مایا مالک اچھی بولو یار ہن ہی بلا دیتا نے جنت خالق مایا مالک سامنے دیوکار اس آیت دی تشریح کردے ہویا ایک نعت گو شاعر نے لکھیا لکھتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا میں خالق کل جہانا دا تو مالک کل جہانا دا آسان ہے نا پڑھ لسا ہے اچھی کہہ دو پچھلے اجے بھی ناراض بیٹھے اچھی کہہ دو سبحان اللہ میں خالق کل جہانا دا تو مالک کل اچھی بلند آواز نال میں خالق کل جہانا دا تو مالک کل دا کسے منگتے نو ناموڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو ناموڑی خزانے سارے او لوگو دنیا والے میرے کملی والے نو تانے مار رہا سن کہ رب دا اللہ دم اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض ہو گئے نے لیکن اللہ رب العزت نے دسیا میرا یار میں کیویں ناراض ہو سکدا وا میں تیرے نال پیار کردا وا میں تیرے نال محبت کردا وا لوگو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا والا سوفا یعطی کا رب کا فطر سونیا ہر آن والا وقت تیرے واسطے بہتر ہوئے گا ان کرے بتنا عطا کراں گا کہ تو راضی ہو جائے گا اللہ رب العزت نے اتنا عطا کیتا اتنا عطا کیتا سنو لوگو اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے عطا کیتا ہے کہ نہیں کیتا دیکھا اذان دو کلمے چھوڑ کے اذان پڑھو اذان ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ دے وہ اذان پڑھو ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی تے نماز دے وچ درود چھوڑ دے وہ چھوڑو ہوندی ہے کہ نہیں رب نے جتھے اپنا نام نال رکھیا اوتھے اوتھے کملی والے نال رکھیا حضرت آدم علیہ السلام جدو روح پھوکی نا رب نے آنکھ کھولی نا تو سامنے عرشاں دے کناریاں تے ویکھیا لکھے ہویا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اجے آپ دنیا تے نہیں تشریف لے کے آئے سامنے لکھا ہویا تو اور پھر دنیا تے تشریف لے آئے جتھے رب اپنا ذکر رکھے آئے اوتھے نال کملی والے دا ذکر بھی رکھے سوال ہوندا ہے کہ جس وقت جانور ذبح ہوندا ہے اس وقت کملی والے دا نام مبارک اپنے نام دے نال کیوں نہیں رکھیا ہور تو باقی ہر جگہ تے رکھیا اس دا جواب ہے کہ رب کریم بھی ہے رحیم بھی ہے غفور بھی ہے لیکن جبار بھی ہے تے قہار بھی ہے او جبار اور قہار بھی ہے لیکن کملی والے نو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کے بھیجا رحمت جتھے غضب والا کام ہے نا اتھے اپنے محبوب نو نہیں پایا
कि सोनिया तेरी रहमत दी चादर ते दाग ना लग जाए। तो बाकी सामने दे वकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जगह ते अपने महबूब दा इसमें मुबारक अपने ना लाया। इस वास्ते मैं कहना अज़ान हो वे नमाज हो वे दरूद हो वे सलाम हो वे जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे। तो सामी ने जीवाकार मैं अरज की थी अल्लाह ताला ने इतना अता किया तो उस अता जो आज मैं थोड़ा जा एक जुज दा भी चौथा हिस्सा उस अता दे विचो एक जुज है ना जुज दा भी चौथा हिस्सा शायद चौथा हिस्सा भी बहुत सारा हो मैं तुम्हारे सामने पेश करन रब ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सोनिया इन्ना तो परेशान ना होवो कि तुहानू मैं ऐसा कलाम अता कर रहा जेड़ा इसनू पढ़ेगा तेरे कदमां च आ जाएगा। सोनिया तुहानू ऐसा तकल्लम अंदाज़े गुफ्तगो यानी किरदार तुहाडा इंज बना देवांगा कि जेड़ा तुहाडे नाल कलाम करेगा ओ भी तुहाडे उते ईमान ले आएगा। और फिर अगे फरमाया सोनिया तुहाडा किरदार किरदार इस तरह बना देवांगा कि जेड़ा तुहाडा किरदार वेखेगा तुहाडी सीरत नूं वेखेगा तुहाडे ते ईमान ले आएगा। फरमाया सोणिया तुहानूं कमाल ऐसे देवांगा जेड़ा तुहाडे कमाल देखेगा तुहाडे ते ईमान ले आएगा। तुहानूं जमाल ऐसा देवांगा जेड़ा हुसन वेखेगा तुहाडे हुसन ते फिदा होके तुहाडे ते ईमान ले आएगा। गल्लां ते बहुत सारे खजाने बड़े दित्ते लेकिन मैं पहले अर्ज कीती एक जुज जुज दा भी चौथा हिस्सा उस चौथे हिस्से दा भी चौथा हिस्सा उस रब ने फरमाया सोणिया तेनू एडा सोणा बनावांगा जेड़ा तेनू वेखेगा तेरे ते ईमान ले आए। गज़वे तबूक दे अंदर मेरे आका अलैहि सलातो सलाम लड़ रहे ने सामने यहूदी उठनी ते सवार मुकाबले वास्ते आया लड़न वास्ते आया तलवार लेके कमली वाले दी बारगाह च आया नीयत सी के लड़ांगा। जदू आया ना ते निगाह चेहरा ए मुस्तफा ते पई जिवें निगाह पई ना ते दिल विच ख्याल आया कि यार ए आम नहीं ए वाकई पैगंबर ए खुदा दा चेहरा हो सकदा। निगाह पई रब ने वादा कीता सुनया वाला सौफ योती का रब्बू का फतर दा इतना अता करांगा इतना अता करांगा तू राजी हो जाएगा। हुण जमाल दी अता वेख कि जेड़ा वेख रहा है वह भी कलमा पढ़ रहा है जेड़ा सुन रहा है वह भी कलमा और वेख्या वेख के सिद्धा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह सामने आके उठनी ते सवार खड़ा हो गया। हुण उस दौर दे इस यहूदी दा भी ईमान है कि इस नबी को लो जेड़ी चीज मंगी जाए ना ये अता कर देना। ते आके अरस करता है हजूर तुवाड़े ते ईमान ले आना चाहना ईमान ले आके शहादत हासिल करना चाहना मैनू किस चीज की जमानत देने मैनू किस चीज की जमानत देंदे हो क्या चीज देवोगे। मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया ईमान ले आना तेरा कम है जन्नत च ले जावना मैं मुहम्मद दा काम है। सामी ने जीवकार मेरे अकल असला तो सलाम दी बारगाह चरस करदा सोनिया नमाज एक नहीं पढ़े सोनिया झूठ सारी जिंदगी बोलंदा रियावा सोनिया नमाज नहीं पढ़े रोजे नहीं रखे ना हज कीता है ना जकात अदा कीतिया ने या रसूल अल्लाह अज तेरे चेहरे ते नजर पाए तेरे चेहरे नु वेखिया है तेरे चेहरे नु वेख के दिल नु तसल्ली होए अल्लाह दा रसूल सोनिया
ਆ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਲੋਗੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੈ ਸੁਣਾਨੇ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਨਮੂ ਹੈ ਤੁਮਾਰੇ ਦਿਖਾਨੇ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਚਿਹਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇ ਜਮਾਨੇ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਫ ਖੜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਮਲਾਵਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਬੱਲੇ ਸਮਨੇ ਜੀ ਬਕਾਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਅਮਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਲੈ ਜਾਏ ਫਕਤ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਏ ਜੰਨਤ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਨਤ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਗੋੜੀ ਉੱਠਣੀ ਤੋਂ ਉਤਰੂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਤਰੂ ਲੱਗਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਗਿਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਿਣਕਾ ਟੁੱਟਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦਮਾਂ ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨੀਯਤ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਕਲਮਾ ਪੜਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਕੱਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਗੁਮਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਉਸੇ ਯਹੂਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਨਤੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਨਤੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲੋਕੋ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨੀਯਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਮਾਲ ਵੀ ਤੁਲਸਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਅਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆ ਜਾਵੇ ਗੇਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਹਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਵਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਔਰ ਸਾਲਣ ਨਾਲ ਹਲਵਾ ਤੋ ਹਲਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜਬ ਖਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਉਹ ਹਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵਜਾਂ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਛੋਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਚੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਮਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਹਫਤੇ ਦਾ 1500-1600 ਬੈਲੈਂਸ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 1500-1600
वो सारा बैलेंस जो सड़ जाता है ना वो फिर सारे किसी खाते का नहीं होगा। और फिर जेडे बड़े मोबाइल आ गए उन्होंने जो नेट पैकेज लगते ने असी तकरीबन महीने का 2000-3000 पक्का नेट पैकेज से असा लाभ है नहीं। और एक साल अगर ये आजादी ये चीजा सारिया कुछ आजादी इस्तेमाल कर रहे हैं या जो कुछ भी सानू मिलिया है ये यकीन जानो तुहानू अपने नबी दे नालायक दे सदके मिला है। जो कुछ मिलिया है उन्हां दे नालायक मुबारक दे सदके मिलिया है। और अगर अगरचे उन्हां दे विलादत वाले दिन असी खर्च ना करिए कंजूसी कर जावीए ये हर कहंदा अपना ज़हन है माइंड हर कहंदा अपना है कोई ना मनावे ना मनाए जिस दा दिल मने ओ मनांदा जिस दा दिल नहीं मनदा ओ नहीं मनांदा ओ हर कहंदा अपना एक माइंड है। लेकिन साडा माइंड है कि हजूर दा मिलाद मनावना चाहिदा है और गज वज के ते हुण तुहाडा माइंड ए होना चाहिदा है कि 10 ते 20 ते 30 लई गल नहीं वेख लिव्याए ओ नबी गारा च बया रब्बे हबली उम्मती त्वाडी खैर मंगदा रहा अल्लाह दी बारगाह च गया त्वाडी खैर मंगदा रहा। और फिर मेराज करके रब दी बारगाह च काब कौसैन औ अदना दी मंजिल ते बैठे रब ने फरमाया ए मेरा महबूब दस के चाहना है ते रब दे महबूब ने उत्थे भी यही अर्ज कीती मौला मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है मेरी उम्मत दी बख्शिश फरमा जेड़ा तुहाडे वास्ते इतना कर गया है ना 100 50 500 अज दी दियार उस वास्ते कोई माना ही नहीं रखदा कोई माना नहीं रखदा तो 100 50 500 कोई माना नहीं रखदा जैनू उस दे नालायक दे सदके रब ने ज्यादा दित्ता होया ना उस ते 1000 ते 5000 भी कोई माना नहीं रखदा। और फिर जिन्ना कोल हुण कोई नहीं दिल करदा है क्योंकि अगले जुमे नु 12 रबीउल अव्वल दा जुलूस दिल करदा है कि बाद च देवांगे बेशक हफ्ते दे दौरान मैनू आके दे देवो मैं इन्हां नु नपा देसां। हाजी अब्दुल रजाक जेड़े साडे अपने मस्जिद दे खादम भी ने आले नाल मस्जिद दा निजाम ही उन्हां दे कोल है उन्हां को देवो हाफिज वलीउल्लाह साहब ने भाई तैरो जमान शाह साहब इन्हां को देवो इंशाल्लाह ए तुहाडी इमानत अल्लाह दे हुक्म नाल इन्हां दे कोल पहुंच जाएगी। और जिन्हां नु ए यकीन है कि साडे उत्ते साडे कमली वाले दा बहुत बड़ा एहसान है कि सानू उस मां बाप दा पहचान करवाई बहन बहना दी पहचान कराई बीवियां दी पहचान और फिर एक मुसलमान होने के नाते हर मां दी पहचान कराई कि मां है ये बहन है। तो लोगों इस तो वड्डा एहसान होर क्या हो सकता है कि रहमान दे नाल उस रब दे नाल उस साडा नाता बनाया तो उस दे मिलाद दे वास्ते अगर इंसान 100 50 500 1000 खर्च कर लवे ना मैं आखना कोई चीज भी नहीं सारी जिंदगी साल दे 12 महीने असि अपने उत्ते खर्च करते रहने हैं साल दे 12 महीने खुद खाने हैं दोस्तों नु खवाने हैं वो जाया हो रहे ने जे ए तुसी लगा रहे हो। आओ हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला नु आ फरमांदे ने कि जेड़ा जेड़ा मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते एक रुपया भी खर्च करता है ना एक रुपया खर्च करता है कल क्यामत आले दिन अल्लाह दा महबूब उस ते अल्लाह दे महबूब दी शफात उस दे वास्ते वाजिब हो जाएगी और उसका बड़ा अजर मिलेगा। तो सामीने जी वकार हदीसां बड़ियां ने नाल हुण एक गल आखरी ए भी सुनो कि रब ने फरमाया के वाला सौफा योती के रब्बू का फतरदा महबूब इतना अता करेगा तू राजी हो जाएगा। तो लोगो मेरे आकल सलातो सलाम ने फरमाया सी ना बरे सगीर पाको हिंद विच मेनू अपने आशकां दी खुशबू आ रही है
बरे सगीर पाक हिंद, उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक से, तो फरमाया बरे सगीर पाक हिंद में मैनू अपने आशकां दी खुशबू आ रही है, ते लोगो ए ओही बरे सगीर पाक हिंद जिस बारे रब दे महबूब ने फरमाया मैनू अपने गुलामां दी खुशबू आ रही है। ते गुलामां दा भी कम है कि सिर्फ जबान दे नाल नारे ना मारन, और फिर रबीउल अव्वल दा मामूल ए नहीं कि सिर्फ जलूसे चाह के नारे मारने, लंगर खा लेने, तो लंगर तो इंसान घर भी खा लेंदा है, बहर जिथे दोस्तों को चले जाओ खा लेंदा है, लेकिन रबीउल अव्वल तुहाडा मामूल के होना चाहिए। असल चीज रबीउल अव्वल के अंदर सब तो पहले पहली रबीउल अव्वल आई, चलो चार रबीउल अव्वल तक गुजर गए, पांच रबीउल अव्वल तो शुरू होवो कि तुहानू हर नमाज दे विच सौ वाली तस्बीह तुहाडे कोल होवे, हर नमाज दे विच त्रै तस्बीहां दुरूद पाक दीआं पढ़ो, ए भी मिलाद है। इस नीयत नाल कि मेरे नबी दा मिलाद आ रहा है, मिलाद वाले दिन मैं इतना दुरूद जमा करके हजूर दे ईसाले सवाब करूं, त्रै तस्बीहां दुरूद पाक दीआं पढ़ो, और जिसका जितना जिक्र करते रहो ना उस दिनाल उतनी मुहब्बत वधदी रहंदी है, जितना ज्यादा दुरूद पढ़ोगे तुहाडी मुहब्बत होर ज्यादा वधदी जाए, और फिर गलियां नूं घरां नूं छतां नूं हर जगह नूं जिथे तुहाडा गुजर है उन्हां दी सफाई कर देवो, और सफाई इन करो नीयत ए होवे कि हजूर दी विलादत दा महीना है, इस खुशी विच मैं सफाई कर दावा, और यह सफाई तेरा रबीउल अव्वल बन जाए, तेरा मिलाद बन जाएगा। तो सामी ने जी वकार गल करन दा मकसद है कि लाजमी नहीं महफले मिलाद दे नाल, हां जैनू रब तौफीक देवे हजूर दा जिक्र भी करावे घर विच, जिन्होंने तौफीक देवे, हुण इंज नहीं कि एक अमीर बंदा करा रहा है गरीब के दिल में तड़प आती है कि मैं हुण की करां, मेरे को कुछ नहीं, आओ मैं दसदा, मैं दसदा गरीब के कर, बड़ी प्यारी गल, रोंगटे खड़े हो जावेंगे। हजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आप दे दौर विच बादशाह खलीफा मुसलमान दा मिलाद नबी दी महफल से जांदा सी, हुनियत तालबीन पढ़ के वेखो सामने मिलाद नबी दी महफल से जांदा सी, और वो हर साल महफल एक गरीब जी औरत बुढ़ी माई 80 साल 85 साल उम्र दावत नामे दे के सारी बरादरी जिसनू दावत नामे दिते बरादरी नू कार्ड तकसीम कीते, नाल महफल शुरू हुई, गार्डन हुआ क्या कि जिस दे कोल कार्ड होवे ना उसनू अंदर आवण देवे, जिस कोल कार्ड ना होवे ना उसनू अंदर नहीं आवण देना, और फिर महफल शुरू हुई, बुढ़ी माई कोल वो गरीब सी उस कोल कार्ड भी कोई नहीं, गई ना गार्डन ने पूछे अम्मा किते जा रही है, बेटा मिलाद दी महफल, अम्मा तेरे कोल कार्ड है, नहीं एक बच्ची भी नाल है, मां कहंदी है बेटा कार्ड कोई नहीं, लेकिन इतना है कि हर साल मैं इस महफल में शामिल होनी है, हर साल महफल सुन दी हां मिलाद दी महफल है, हुण वो बुढ़ी माई इसरार कर दिए, आखिरकार गार्ड कहंदा है माई अगर कार्ड है तो ठीक, सानू तंग ना करो, सानू जिवें आर्डर है असीं तुहानू अंदर नहीं जाण देना। माई रोंदियां रोंदियां पिछे मुड़ी घर आई, गरीब जिहा घर है, थोड़े जिहे दाणे पए सन, बच्ची नूं कहंदी है बेटी ये दाणे बुन के ना हजूर दा मिलाद मना लैने, ये दाणे बुन के हजूर दा मिलाद मना लैने। हुण उस बच्ची नूं दाणे बुनने महल्ले दीआं चंद इक बच्चियां चार पांच बच्चियां जमा करके मई हुण ओ जिहड़े साल हा साल हजूर दे वाकियात
उलमा को सुनते सी ना उन्हें बच्चिया के अगे बयान कर रही है कि मेरा नबी इंज सोना सी मेरा नबी इन सोनिया जुल्फा वाला सी इन दुनिया ते तशरीफ ले आया अचानक उस मई की बच्ची की नजर दरवाजे की उलांघी च पई क्या वेखदी है सफेद लबास सफेद दाड़े सफेद कुल्ला बुजुर्ग खड़े ने बच्ची कहती है अम्मा दरवाजे ते कोई बुजुर्ग आए ने मां कहती है कौन है वेख्या हजूर गौसी आजम अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह ताला नो दरवाजे दी चौखट ते खड़े ने आप मई उठी उठ के कदम बोसी कर दिए कदम बोसी करके मई अर्ज कर दी हजूर आज गरीबा दे वेड़े किन आए हो आपने फरमाया मेरी दावत बादशाह दी महफिल ते सी मैं उदे जा रहा सी गली चो गुजर होया मेनू खुशबू आई है जदू मैं दरवाजे वल वेखिया तेरे दरवाजे ते खड़े मोहम्मद मुस्तफा अबू बकर सदीक हजरत उमर तेरे दरवाजे ते खड़े ने मैं क्या छठ गौसी आजम छठ अब्दुल कादिर उस महफिल नू ये बड़ी बरकतों वाली महफिल या रसूल अल्लाह या रसूल मैं दसण दा मकसद देवे लोगो ओ गुरबत नहीं वेखदा ओ पैसा नहीं वेखदा ओ दौलत नहीं वेखदा ओ सिर्फ दिलां दे सौदे करदा है हजूर गौसे आजम फरमांदे ने मैं पता है मेरी दावत उदे वे जदू मैं ए मंजर वेखे मैं वो छोड़ दिती है मैं क्या आज इस महफल शामिल कि हजूर तशरीफ ले आ रही दुआ है कि मौला कायनात सानू अमन और अमान दे नाल मोहब्बत दे नाल शौक दे नाल जज्बे दे नाल हजूर दा मिलाद मनावण दी तौफीक अता फरमाए तो लोगो बस एक चीज ख्याल रखना जुलूस होवे महफल होवे बेअदबी ना होवे एहतरामी ना होवे इंज ना होवे कि सवाब लेंदियां लेंदियां असीं गुनाह वल चले जावे अगर कोई महफल करे आए कोई महफल करदा है कदी भी किसी ते अटैक नहीं करावना अगर महफल कराओ पहली यार अगले बंदे नूं इह आखो सानूं हजूर दी मुहब्बत दसो हजूर किन दुनिया ते तशरीफ लिया ओ दसो हजूर दा किरदार दसो हजूर दा जमाल दसो कदी भी किसे ते अटैक ना कर बया बस मिला ता मकसद ये आंदा है कि साडे सामने मोहब्बत मुस्तफा बयान हो और फिर मैं अर्ज की किसी के दुरूद पाक दिए तस्बीहां पढ़ो रज रज के दुरूद पढ़ो जितना पढ़ सकते हो 12 रबी अव्वल लाल जाड़े हजूर दी बारगाह च पेश करो पता चले कि मेरे उम्मतियां मैनू भी याद कीता ममा अलैया।